Assalamu alaikum everybody out there, my name is Zarsheenay and welcome to my channel Dear Diary by Zarsheenay. I hope ki aap sab log bilkul theek thaak honge, mazay mein honge. Main aaj kafi time baad apne channel pe video upload kar rahi hoon kyunki kuch time se busy thi, life ki kuch priorities thi jinko time dena tha, jinko time dena zaruri tha, jinki wajah se maine apna channel jo hai usse break li thi. So now I am back to my channel again. So चलिए अब हम चलते हैं अपने review की तरफ. जिस restaurant पे हम गए थे इसका हमने काफी नाम सुना था. It's called Villa the Grand Buffet. और मैं और बच्चे जो थे हम पहले गाड़ी में थे. Husband reservation के लिए गए थे. Already slot की timing start हो चुकी थी, but thankfully कि हमें उसमें उन्होंने adjust कर दिया. हमें जो table मिला that was 41 number. And इनका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, इनके वेल अरेंज्ड प्लेस थी और सब कुछ बहुत अच्छा था इनका. चले मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ. मेन्यू इनका काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सारी वैरायटी में इनकी डिशेस थी. और जो है ज़्यादातर इसमें वी कैन से कि चाइनीज़ और इटालियन ही थी. देसी इतना मुझे कुछ नज़र नहीं आया इसमें. सो यही था इनके मेन्यू में. द फूड वॉज गुड बट उतना अच्छा नहीं था जितना हम लोगों ने सुन रखा था. और अगर मार्किंग की बात करें तो आई विल गिव इट 8 out of 10. एंड ये इनका सैलड्स का सेक्शन था, यहाँ इन्होंने सारे सैलड्स रखे थे. बट मुझे ये नहीं पता कि ये सारी इतनी सारी सब्ज़ी साबित क्यों रखी गई थी यहाँ पे. एंड ये इनके सैलड सात सॉसेस थी. एंड दिस इज़ देयर स्वीट सेक्शन. और इनके मीठे में बहुत सारी वैरायटीज़ थी. आई कैन से पुडिंग वाज वेरी यमी. और इनका चॉकलेट फज वाज आई कैन से 10 out of 10. जो कि कमी रह गई थी दूसरी साइड से वो इनके मीठे ने पूरी कर दी. स्वीट सेक्शन ने सारी कमियाँ इनकी यहाँ पर पूरी कर दी थी. एंड फिर इसके बाद ये है कि मैंने काफ़ी मीठा खाया क्योंकि इट वाज रियली यमी. एंड फिर इसको मैंने चाय के साथ एंजॉय किया, इनकी कड़क चाय. एंड तीन ऑप्शंस थे, एक कॉफ़ी थी, एक कश्मीरी टी थी और एक कड़क चाय थी. सो आई चूज कड़क चाय क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है. और मुझे जो है वो चाय हर खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है चाय. सो आई चूज कड़क चाय. एंड ये मैं थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी फॉर शॉर्ट्स एंड सोचा कि इसमें भी ब्लॉग में भी डाल दूँ. और आई कैन से इट वॉज अ गुड प्लेस. आप लोग ज़रूर इसको विज़िट करें. इनका फूड जो है वो 8 out of 10 है. बट इनका स्वीट सेक्शन जो है वो सारी कमियाँ इनकी पूरी कर देता है. और ये साथ साथ मैं शॉर्ट्स के लिए जो है वो वीडियोस बना रही थी और सोचा कि ब्लॉग में भी डाल दूँ ताकि सारे जिन्होंने शॉर्ट्स नहीं देखे वो ये भी देख लें, इसमें देख लें. सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड डे. हमने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने, बच्चों ने. और जो है आई कैन से आप सबको जो है विला विज़िट करना चाहिए ज़रूर. मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको ज़रूर विज़िट करें. इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और हमने बहुत इन्जॉय किया. इवन कि हम लोग लेट अपने स्लॉट में पहुँचे थे बट उसके बावजूद हमने जो है अपना फूड उसको अच्छे से इन्जॉय किया. एंड तक हम लोगों ने जो है स्टे किया और अब जो है लोग जाना शुरू हो गए थे. हमने सोचा कि अब हमें भी चलना चाहिए. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको विज़िट करें. एंड आई होप कि आपने ये ब्लॉग ज़रूर इन्जॉय किया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. प्लीज़ Do like, share and comment. And I hope कि आप लोग मेरी recommendation पे ज़रूर विला विज़िट करेंगे. Thank you.